अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्टाइल ऑफ स्मूथ मसल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका आज का जो लेक्चर है वो स्केलेटल मसल्स की बजाय स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन पे है। हमने लास्ट टाइम स्केलेटल मसल के ऊपर चैप्टर किया है, उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है उसके बारे में पढ़ा, पूरा प्रोसेस के बारे में पढ़ा। आज जो हम लेक्चर करेंगे उसके अंदर हम स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका लेक्चर नंबर 27 है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। केमिकल बेसिस फॉर स्मूथ मसल्स। जैसे हमने स्केलेटल मसल में पढ़ा था कि स्केलेटल मसल में एक्टिन और मायोसिन होते हैं, इसी तरह हम ये देखते हैं कि जो स्मूथ मसल है उसकी कॉन्ट्रैक्शन एक्टिन और मायोसिन के अलावा किन केमिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल कंटेन बोथ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। सेम स्मूथ मसल की तरह स्केलेटल मसल की तरह स्मूथ मसल में भी एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं। Having chemical characteristics similar to those of actin and myosin filament in skeletal muscles, और इनकी भी सेम उसी तरह कॉन्ट्रैक्शन हो रही है जैसे स्केलेटल मसल में हो रही है। इट डज नॉट कंटेन नॉर्मल ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स। जो आपके स्केलेटल मसल्स में एक ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स था जिसके ऊपर आके जिसके आगे फर्दर तीन मॉलिक्यूल्स होते थे ट्रोपोनिन सी जिसके ऊपर आके अटैच होता था, अब वो जो ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स है वो स्केलेटल मसल्स में तो मौजूद होता है पर स्मूथ मसल्स के अंदर मौजूद नहीं होता। सो द मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज डिफरेंट। तो ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स एक तो आपके कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म को कंट्रोल करता था, अब इसी वजह से जो स्मूथ मसल्स है चूँकि उसमें ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स नहीं है तो इसका जो कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म है और उसका कंट्रोल चेंज होगा। ठीक है, अब ये किस तरह से डिफरेंस है इसके अंदर, तो ये हम आगे पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस इज एक्टिवेटेड बाय कैल्शियम आयन एंड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज डिग्रेडेड टू एडिनोसिन डाइफॉस्फेट टू प्रोवाइड द एनर्जी फॉर कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको पता है एनर्जी रिक्वायर है, उसके अलावा एनर्जी के साथ साथ इसको कैल्शियम आयन भी रिक्वायर होते हैं। अब ये जो कैल्शियम आयन है ये ट्रोपोनिन सी की बजाय जाके एक स्पेशल किस्म की प्रोटीन होती है कैल्मोडिन कैल्मोड्यूलिन उसके साथ जाके अटैच होते हैं। ये डिफरेंस आता है स्मूथ मसल्स में और स्केलेटल मसल में। अब ये कैल्मोड्यूलिन क्या है इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे, तो फिलहाल के लिए जो कैल्शियम आयन है उसका वो अटैच होता है एक स्पेसिफिक किस्म की प्रोटीन के साथ इंस्टेड ऑफ ट्रोपोनिन सी। तो अभी पढ़ते हैं कि ये जो कैल्शियम आयन और एटीपी हैं ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। देर आर हाउएवर मेजर डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड स्केलेटल एज वेल एज डिफरेंस इन एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग कंट्रोल of the contractile process by calcium ion, duration of the contraction and amount of energy required for contraction. आपके स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है स्केलेटल मसल से डिफरेंट है। किस तरह डिफरेंट है, एक तो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। फिजिकल स्ट्रक्चर किस तरह डिफरेंट है ये भी हम अभी पढ़ते हैं। उसके अलावा इसका जो कंट्रोल है कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस का वो डिफरेंट है। ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिफरेंट है, एनर्जी कंजम्पशन डिफरेंट है। अब इसके फिजिकल बेसिस के ऊपर ये किस तरह स्मूथ मसल डिफरेंट है उसके बारे में पढ़ते हैं कि बेसिकली जो आपके जो स्केलेटल मसल होता है उसके अंदर मैंने बताया था आपको कई धारियाँ होती हैं जिसको हम स्टीरिएटेड अरेंजमेंट कहते थे। अब ये जो स्टीरिएटेड अरेंजमेंट है इस ये एब्सेंट होती है स्मूथ मसल्स में। स्मूथ मसल्स में क्या होता है कि इसके अंदर डेंस बॉडीज अटैच होती हैं। ठीक है, डेंस बॉडीज जेड डिस्क का काम करती हैं, उसके साथ एक्टिन फिलामेंट्स आके अटैच होते हैं। अब ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं ये क्या करते हैं कि डेंस बॉडीज़ की वजह से एक दूसरे को
कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो ये अभी रीडिंग करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ ऑफ स्मूथ मसल्स डज नॉट हैव द सेम स्ट्रिएटेड अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट एज फाउंड इन स्केलेटल मसल्स। इंस्टेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स जस्ट द फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिटेड। तो एक आगे डायग्राम है, उसमें दिखाया भी है कि इसमें क्या डिफरेंस आता है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें स्मूथ मसल का स्ट्रक्चर, इसके अंदर पिंक कलर के लॉन्ग स्ट्रिएटेड लॉन्ग लॉन्ग फाइबर्स हैं, ठीक है, ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं। और जो दरमियान में ब्लू कलर की सर्कुलर बॉडी है, ये है डेंस बॉडीज। और डेंस बॉडीज दरमियान में आप देखिए मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। डेंस बॉडीज क्या है, ये जेड डिस्क की जगह पे अटैच हैं और ये कॉन्ट्रैक्शन करवाती हैं। अब ये जो फिगर है, इसमें हमें देखा कि डेंस बॉडीज अटैच हैं, सम ऑफ दीज बॉडीज आर अटैच टू सेल मेम्ब्रेन, इसमें से कुछ सेल मेम्ब्रेन की तरफ अटैच होगी, अदर्स आर डिस्पर्स इनसाइड द सेल, कुछ सेल के अंदर मौजूद हैं। सम ऑफ द मेम्ब्रेन डेंस बॉडीज ऑफ द एडजेसेंट सेल्स आर बॉन्डेड टूगेदर बाई इंट्रा सेलुलर प्रोटीन ब्रिजेस, इट इज मेनली थ्रू दीज बॉन्ड दैट द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन सेल टू नेक्स्ट सेल। अब इस जो डेंस बॉडीज है उसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एक मसल से दूसरे मसल की तरफ मूव कर रही है, एक मसल फाइबर से दूसरे मसल फाइबर की तरफ मूव कर रही है। अभी हम आगे की तरफ चलते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं और जो मायोसिन फिलामेंट है, ये एक दूसरे के साथ इंटरपास्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं। और इनका जो डायमीटर है एक्टिन फिलामेंट्स की निस्बत दुगना होता है, मतलब इसकी जो थिकनेस है मायोसिन फिलामेंट की वो ज़्यादा होती है, इसके जो थिकनेस है वो 5 to 10 टाइम्स ज़्यादा है एक्टिन फिलामेंट्स की निस्बत, ठीक है। तो पोस्टुलेटरी स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट विद इन स्मूथ मसल शोइंग लार्ज नंबर ऑफ द एक्टिन फिलामेंट रेडिएटिंग फ्रॉम टू डेंस बॉडीज, द एंड ऑफ दीज फिलामेंट ओवरलैप अ मायोसिन फिलामेंट लोकेटेड मिड वे बिटवीन द डेंस बॉडी। अब ये इसी डायग्राम की बात करें कि दरमियान में डेंस बॉडीज है और डेंस बॉडीज के साथ में एक्टिन फिलामेंट अटैच है, दो एक्टिन फिलामेंट के दरमियान में मिड वे में मायोसिन फिलामेंट्स की अटैचमेंट और मायोसिन फिलामेंट थिक स्ट्रक्चर्स हैं। दिस कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट इज सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द स्केलेटल मसल, सेम टू सेम स्केलेटल मसल की ही तरह ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बट विदाउट द रेगुलरिटी ऑफ द स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर्स। In fact, the dense bodies of the smooth muscle serve the same role as the jet disk in the skeletal muscle. तो ये जो डेंस बॉडीज हैं ये स्केल्टल मसल वाला, स्केल्टल मसल में जेड डिस्क वाला काम करेंगी। और इसके अंदर एक और डिफरेंस है आपके स्केल्टल और स्मूथ मसल का, ये के जो मायोसिन की अटैचमेंट है ये साइड पोलर है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मायोसिन फिलामेंट्स हैव व्हाट आर कॉल्ड साइड पोलर क्रॉस ब्रिजेस अरेंज सो दैट ब्रिजेस ऑन वन साइड ऑफ द हिंज इज वन डायरेक्शन एंड दोज ऑन द अदर साइड ऑफ हिंज इज ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ये देखें ये जो दरमियान में मायोसिन का स्ट्रक्चर दिखाया है इसकी हेड्स की बात कर रहे हैं, जो कि स्केल्टल मसल में तो दोनों सेम डायरेक्शन में थे और एक्टिन फिलामेंट्स को एक ही डायरेक्शन में, एक साइड वाले हेड्स एक साइड को ड्रैग कर रहे थे एक्टिन को और दूसरी साइड वाले दूसरे हेड साइड के एक्टिन फिलामेंट को ड्रैग करके एक क्लोजर ला रहे थे एक दूसरे के, ताकि कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस हो सके। मायोसिन जो स्मूथ मसल्स के अंदर मौजूद है उसके जो हेड्स की अरेंजमेंट है वो एक साइड पे एक डायरेक्शन को है, दूसरी ऑपोजिट साइड के है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो दिस अलाउज द मायोसिन टू पुल एन एक्टिन फिलामेंट इन वन डायरेक्शन ऑन वन साइड वाइल साइमल्टेनियसली पुलिंग अनदर फिलामेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन द अदर साइड। इस तरह ये एक साइड पे तो एक डायरेक्शन में एक्टिन हेड्स को
पुल करता है दूसरी साइड पे दूसरे हेड्स को। अब इस तरह क्या होता है, दिस वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज दैट इट अलाउज स्मूथ मसल सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज मच एज 80% ऑफ देयर लेंथ। तो एक साइड पे एक फिलामेंट एक साइड को खींच रहा है, ठीक है, मायोसिन, और दूसरा दूसरी को। तो इस तरह 80% तक मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन अचीव हो सकती है, जो कि स्केलेटल मसल में लेस देन 30% हो रही थी। कंपैरिजन ऑफ स्मूथ मसल एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन और स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन का कंपैरिजन करें। ऑल्दो मोस्ट स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रैपिडली, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जल्दी जल्दी से करते हैं। मोस्ट स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज प्रोलॉन्ग टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन समटाइम लास्टिंग आवर्स और इवन डेज। जो आपके स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन है, इसका ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग होता है, लंबे टाइम के लिए होती है, और ये इसी वजह से इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आवर्स से लेकर डेज तक कंटिन्यूस कर सकती है। Therefore, it is to be expected that both of the physical and chemical characteristics of smooth muscle versus skeletal muscle contraction would differ. इसी वजह से जो आपकी स्मूथ मसल्स की और जो आपकी skeletal मसल की contraction क्या है, एक दूसरे से different हैं, ठीक है। अभी तक हमने इसका physical structure के बारे में पढ़ा कि किस तरह एक दूसरे से different है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्लोइंग ऑफ मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस। द रैपिडिटी ऑफ साइकिलिंग ऑफ द मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस इज इन स्मूथ मसल दैट इज द अटैचमेंट टू द एक्टिन, देन द रिलीज फ्रॉम द एक्टिन एंड री अटैचमेंट फ्रॉम द फॉर द नेक्स्ट साइकिल इज मच स्लोअर देन द स्केलेटल मसल। तो सिंपली इन्होंने बताया कि मायोसिन हेड के साथ जाके एक्टिन का अटैच होना, एक्टिन का वापस रिलीज होना और दोबारा अटैचमेंट, ये सारा प्रोसेस जो है ये स्केलेटल मसल की निस्बत स्लो है स्मूथ मसल्स में। किस हद तक स्लो है, 1/10 to 1/300 times ऑफ द स्केलेटल मसल्स, ठीक है। येट द फ्रैक्शन ऑफ द टाइम दैट क्रॉस ब्रिजेस रिमेन अटैच टू द एक्टिन फिलामेंट विच इज ए मेजर फैक्टर दैट डिटरमिन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज बिलीव टू बी ग्रेटली इंक्रीज इन स्मूथ मसल। तो ये जो आपका फ्रैक्शन टाइम है जिस टाइम में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये स्मूथ मसल में बहुत ज़्यादा टाइम प्रोलोंग कर जाता है। अ पॉसिबल रीजन फॉर दिस स्लो साइकिलिंग इज दैट द क्रॉस ब्रिजेस हेड have far less ATP activity than in skeletal muscles, so the degradation of ATP that energizes the movement of the cross bridges head is greatly reduced. उसके अलावा जो एटीपेज एक्टिविटी है, जो एटीपेज एंजाइम मौजूद होता है मायोसिन हेड के ऊपर जो कि एटीपी को कंज्यूम करवा देता है, वो भी स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है वो फर्दर प्रोलोंग कर सकता है। लो एनर्जी रिक्वायरमेंट टू सस्टेन स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को प्रोलोंग बनाने का एक और फैक्टर इसमें ऐड हो जाता है, वो ये कि लो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, कम एनर्जी चाहिए स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ये ज़्यादा अरसे के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ओनली 1/10 to 1/300 as much energy is required to sustain the same tension of contraction in smooth muscle as in skeletal muscle. Skeletal muscle की निस्बत स्मूथ मसल्स में जो एनर्जी कॉन्ट्रैक्शन हमें के लिए हमें चाहिए वो skeletal muscle की निस्बत 1/10% भी नहीं है, ठीक है। This too is believed to result from the slow attachment and detachment cycling of cross bridges and because only one molecule of ATP is required for each cycle. हर cycle के लिए सिर्फ एक molecule ATP का require होता है।
दिस स्पेसिटी ऑफ एनर्जी यूटिलाइजेशन बाय स्मूथ मसल इज एक्सीडिंगली इम्पोर्टेंट टू ओवर ऑल एनर्जी इकोनॉमी ऑफ द बॉडी बिकॉज द ऑर्गन सच एज इंटेस्टाइन यूरिनरी ब्लैडर गॉल ब्लैडर एंड अदर विसेरास ऑफन मेंटेन टॉनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑलमोस्ट इंडेफिनेटली। अब जितने भी आपके इंटरनल स्मूथ मसल्स हैं, मतलब विसेरास हैं, वो स्मूथ मसल से मिलकर बने हैं। अब स्मूथ मसल्स आप उसको विलिंगली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, ठीक है, आप उसको वो खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं, उसका कंट्रोल आपके इख्तियार में नहीं होता। अब उसको कंट्रोल इख्तियार में नहीं है तो इसका क्या मतलब है, वो किसी भी वक्त अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। अब वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो उनका जो एक्टिविटी का मैकेनिज्म है वो इस तरह का है कि वो मिनिमम एनर्जी के साथ भी अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। स्लोनेस ऑफ ऑनसेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ टोटल स्मूथ मसल टिश्यू अ टिपिकल। अब हम ये देखते हैं कि जो स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन है और कॉन्ट्रैक्शन है वो किस तरह स्लो हो रही है। अ टिपिकल स्मूथ मसल टिश्यू बिगन टू कॉन्ट्रैक्ट 50 to 100 मिली सेकेंड आफ्टर इट एक्साइटेड। जैसे ही सेल एक्साइट होता है, मसल एक्साइट होता है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस 50 to 100 मिली सेकेंड्स के अंदर स्टार्ट हो जाता है और ये तकरीबन 0.5 सेकेंड के बाद फुल कॉन्ट्रैक्शन में चला जाता है। फुल कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये 1 से 2 सेकेंड के बाद दोबारा रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। तो टोटल इसका जो कॉन्ट्रैक्शन का टाइम होता है वो 1 से 3 सेकेंड का होता है और ये 30 टाइम इंक्रीज हो जाता है कुछ मसल्स के अंदर, ठीक है। अब ये देखो इसका जो ड्यूरेशन है, अगर कुछ स्मूथ मसल्स हैं, आपके स्मूथ मसल भी डिफ़र करते हैं एक दूसरे से, लाजमी नहीं है कि जो स्टमक के स्मूथ मसल्स हैं वो इंटेस्टाइन के स्मूथ मसल्स के साथ उसकी जो एक्टिविटी है वो मैच करे। अब कुछ मसल्स 0.2 सेकेंड्स से लेकर 30 सेकेंड्स तक भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो उनका कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन प्रोलोंग कर जाता है। दिस स्लो ऑनसेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स एज वेल एज इट्स प्रोलोंग कॉन्ट्रैक्शन इज कॉज्ड बाय स्लोनेस ऑफ अटैचमेंट डिटैचमेंट ऑफ क्रॉस ब्रिजेस विद एक्टिन फिलामेंट। अब ये बेसिकली हो क्यों रही है ये लंबा ड्यूरेशन, क्योंकि जो एक्टिन जाके मायोसिन के साथ अटैच हो रही थी ये प्रोसेस स्लो हो गया। मैक्सिमम फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मैक्सिमम फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर इन स्मूथ मसल्स देन स्केल्टन मसल्स। स्केल्टन मसल की निस्बत स्मूथ मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, ये 4 to 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, स्मूथ मसल में, जबकि स्केल्टन मसल में ये 3 to 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉन्ट्रैक्शन से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे मसल्स, ठीक है। अब आता है लैच टाइम। लैच मैकेनिज्म ऑफ फैसिलिटेट प्रोलोंग होल्डिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। अब स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को प्रोलोंग करने के लिए एक लैच मैकेनिज्म भी मौजूद है। लैच मैकेनिज्म बेसिकली क्या है कि कम एनर्जी के ऊपर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन रखना, ये आपका लैच मैकेनिज्म कहलाता है। वंस द स्मूथ मसल्स हैज डेवलप फुल कॉन्ट्रैक्शन द अमाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग एक्साइटेशन कैन यूजुअली बी रिड्यूस्ड टू फॉर लेस देन द इनिशियल लेवल। इधर ये बात कर रहे हैं कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जिस टाइम उसने कॉन्ट्रैक्शन शुरू की उस टाइम पे जो फोर्स थी वो ज़्यादा थी और उसके बाद जो फोर्स हुई जब ये कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस मेंटेन रखा तो ये थोड़ा स्लो डाउन हो गई, पर जो एनर्जी है द एनर्जी कंज्यूम टू मेंटेन कॉन्ट्रैक्शन इज ऑफन मिनिस्क्यूल। अब इस टाइम पे जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो बहुत माइन्यूट अमाउंट में होती है, 1/300 टाइम कम होती है स्केल्टन मसल की निस्बत। तो इस एनर्जी के कमी और जो कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस के प्रोलोंग होने का जो मैकेनिज्म है ये कहलाता है लैच मैकेनिज्म, ठीक है। स्ट्रेस रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल। अब एक स्मूथ मसल की प्रॉपर्टी ये है कि वो स्ट्रेस की कंडीशन में रिलैक्स हो सकता है। अब इसकी एग्जांपल भी आप इसकी एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जब मसल्स यूनिटरी टाइप स्मूथ मसल्स हो, मतलब कि पूरे के पूरे मसल एज ए होल यूनिट काम कर रहे हों, तो इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है वो
मिनट सेकंड से मिनट तक प्रोलोंग कर सकता है। अब एक एग्जांपल दी हुई है कि फ़र्ज करो कि आपको यूरिनेशन के लिए रिफ्लेक्स जनरेट हुआ है, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्स जब आता है तो आपको फ़र्ज़ करें कि आप ऐसी एरिया में हो जहाँ पे आपके पास कोई सोर्स नहीं है कि आप यूरिनेशन कर सको, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आप कंट्रोल करते हो तो इसके दौरान जो जो मसमूत मसल्स हैं वो फुल स्ट्रेच कंडीशन में आते हैं, क्योंकि ब्लैडर आपका फुल होता है फ्लूड के साथ। जब ब्लैडर फुल है तो उस कंडीशन में सारे जो वाटर है वो आपके स्मूथ मसल्स के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा होता है और सारे स्मूथ मसल्स फुल स्ट्रेच की कंडीशन में होते हैं। अब जब वो स्मूथ मसल्स स्ट्रेच में हैं तो कुछ ही टाइम के बाद आप देखते हैं कि आपको खुद ब खुद जो रिफ्लेक्स जनरेट हुआ था यूरिनेशन के लिए वो कंट्रोल हो गया, ठीक है। आप ये अक्सर अपनी डेली लाइफ में भी करते होंगे। अब ये जो स्मूथ मसल्स का फुल कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्स हो जाना है ये कहलाता है स्ट्रेस रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स। When the volume is increased by another step, the same effect occurs again. Conversely, when volume is suddenly decreased, the pressure falls drastically at first. अब अगर आपको यूरिनेशन के लिए कोई प्लेस है, मतलब आप वॉशरूम चले गए हो, तो ऐसी सिचुएशन में जब यूरिन पास आउट हो जाएगा बॉडी से, तो जो स्मूथ मसल्स के ऊपर, ब्लैडर के स्मूथ मसल के ऊपर स्ट्रेच आ रहा था वो डिक्रीज हो जाएगा और मसल वापस रिलैक्स हो जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्ट्रेस रिलैक्सेशन और इसको रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। अब इधर बात कर रहे हैं कि जो कैल्शियम आयन की रेगुलेशन है वो स्मूथ मसल्स के अंदर कैसे हो रही है। अब स्मूथ मसल्स के अंदर आपको पता है कि ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स नहीं है जो कि स्मूथ मसल्स के कैल्शियम आयन्स को अपने साथ अटैच करे, जबकि इसके साथ क्या मौजूद होता है, कालमोड्यूलिन मौजूद होता है जो क्या करता है कि जो मायोसिन हेड्स हैं उसको एक्टिवेट करता है, मायोसिन काइनेज की एक्टिवेशन करवाता है और मायोसिन हेड की फॉस्फोरिलेशन करवाएगा ताकि मायोसिन हेड कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। तो आपको मैं एक डायग्राम शो करती हूँ जिसमें ये देखिए कैल्शियम आयन जैसे ही एंटर हुआ सेल के अंदर, जैसे ही आपका जो एक्टिवेशन हुई, एक्शन पोटेंशियल आया, एक्टिव कैल्शियम आयन एंटर हुआ सॉरी जो एक्शन पोटेंशियल ने मसल को एक्साइट किया, तो कैल्शियम आयन सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सेल के अंदर आए, साइटोसोल के अंदर आए, तो जो कालमोड्यूलिन सेल के अंदर मौजूद थी उसके साथ कैल्शियम आयन ने आके एक कॉम्प्लेक्स बना दिया जिसको बोलेंगे कैल्शियम कालमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स। अब कैल्शियम कालमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स क्या करता है, मायोसिन हेड की जो हमने चेन्स पढ़ी थी, मायोसिन की जो चेन्स पढ़ी थी उसकी जो लाइट चेन्स है उसको जाके एक्टिवेट कर देगा। जब लाइट चेन एक्टिवेट होगी तो क्या होगा, उसकी फॉस्फेट आयन की वजह से उसकी फॉस्फोराइजेशन हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा। अगर कैल्शियम कालमोड्यूलिन जो कॉम्प्लेक्स है वो इनएक्टिवेट रहता है तो जो मायोसिन लाइट हेड की जो चेन है वो क्या करती है, डीफॉस्फोरिलेट हो जाती है और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है। अब इसी प्रोसेस को इन दो स्लाइड्स के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया है। द एक्टिवेशन एंड सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन अकर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, द कैल्शियम आयन बाइंड विद कालमोड्यूलिन। अब कालमोड्यूलिन के साथ जो कैल्शियम आयन बाइंड होती है तो होता क्या है, कालमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बनता है, देन जॉइन with and activate myosin light chain kinase of phosphorylating enzyme. अब ये क्या करता है, myosin light chain kinase के साथ जाके activate हो जाता है। जब ये activate होगा one of the light chain of each myosin head called regulatory chain become phosphorylated. जब phosphorylated enzyme जो कि क्या है, myosin light chain kinase
ये क्या है एक्टिवेट हुआ, तो इसने क्या किया, जो मायोसिन की चेन थी रेगुलेटरी चेन, उसको जाके एक्टिवेट किया। जब ये एक्टिवेट करेगा चेन फास्फोरिलेट हो जाएगी, फास्फोरिलेट होगी तो आपकी जो मसल की हेड की अटैचमेंट है वो एक्टिन के साथ हो जाएगी और ये उसको पुल करेगी। अब जब पुल करेगी तो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस इजीली पॉसिबल हो सकेगा। मायोसिन फास्फेट इज इम्पोर्टेंट इन सीसेशन कॉन्ट्रैक्शन। अब जो मायोसिन फास्फेटेज है जो वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस को रोकने के लिए ज़रूरी है। व्हेन कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन फॉल बिलो क्रिटिकल लेवल, जब कैल्शियम आयन की, एक तो कैल्शियम आयन कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी था, अब कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन अगर कम हो गई है और साथ ही साथ जो मायोसिन फॉस्फेट एंजाइम है, फॉस्फेटेज एंजाइम है, उसकी भी कंसंट्रेशन कम होगी, तो आपके जो मायोसिन हेड है वो फॉस्फोरिलेट नहीं होंगे, फॉस्फोरिलेट नहीं होंगे तो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस रुक जाएगा। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है लैच मैकेनिज्म की वजह से ये फर्दर प्रोलोंग हो जाता है, ठीक है, तो इन स्लाइड्स में ये बताया हुआ है। कम एनर्जी रिक्वायर होती है, ज़्यादा टाइम यूटिलाइज होता है, तो इस सारे प्रोसेस के अंदर स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। तो आज के लेक्चर में हमने स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा, क्या डिफरेंस है इसका, स्मूथ और स्केलेटल मसल्स में क्या डिफरेंस है इसके बारे में पढ़ा। तो ये आज का लेक्चर था। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।